लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में झमाझम बारिश, जगह जगह लगा जाम। नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में काफी इंतजार के बाद हुई मूसलाधार बारिश दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बन गई। जगह जगह पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई, जिस वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। तिलक ब्रिज के नीचे मोदी मिल फ्लाईओवर और धौलाकुआं फ्लाईओवर तथा वेलकम मेट्रो स्टेशन के पास भारी जलभराव हो गया। यात्रियों को जखीरा फ्लाईओवर, कमल टी पॉइंट, आनंद पर्वत, वाइट पॉइंट, पुराना रेलवे पुल किशनगंज, आजाद मार्केट और पुराना लोहे का पुल धर्मपुरा पर परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली पुलिस अपने ट्विटर हैंडल पर उन स्थानों के बारे में जानकारी देती रही है जहां भारी जलभराव हुआ है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, भारी बारिश के कारण रामलीला मैदान के पास भारी यातायात है। सुल्तानपुर और घिटोरनी सड़क तथा आईपी फ्लाईओवर के नीचे भी जलभराव हुआ है। मिंटो ब्रिज के नीचे राजापुरी रेड लाइट, द्वारका सेक्टर एक में अग्रसेन अस्पताल के पास, लॉरेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र, इग्नू क्रॉसिंग आदि में भी जलभराव की खबर है। मूसलाधार बारिश की वजह से बहादुर शाह जफर मार्ग पर भी भारी यातायात है। मायापुरी फ्लाईओवर के आसपास नारायणा फ्लाईओवर से मायापुरी की ओर जाने वाले रास्ते, भैरव मार्ग पर रेलवे पुल के नीचे एयरपोर्ट रोड, मथुरा रोड पर चिड़ियाघर से शेर शाहसूरी रोड, मूलचंद अंडर पास, छत्तरपुर मेट्रो स्टेशन के पास बाबा खड़ग सिंह मार्ग, डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे और शादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास भी जलभराव की खबर है। अशोक विहार यातायात सिग्नल और वसंत विहार में ILBS अस्पताल के पास स्थित यातायात सिग्नल पर पेड़ गिर गए हैं। बारिश की वजह से कैब कंपनियों ने किराए में इजाफा कर दिया है। सड़कों पर कैबों की संख्या कम होने की वजह से दिल्ली से गुड़गांव जाने वाले यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा।